हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट फोर्थ, एक्सरसाइज 4.1 और पेज नंबर है जी 28। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फ्लोइंग। ठीक है जी, ऐड तो सबसे आते ही हैं। स्टूडेंट जब भी हम किसी डिजिट को ऐड करते हैं, है ना, तो वंस के साथ वंस को ऐड करते हैं। जैसे ये वंस वाली डिजिट है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 10000। तो स्टूडेंट जो भी नंबर आपको दिए होते हैं ऐड करने के लिए, उनमें वंस की डिजिट को वंस के साथ ऐड करते हैं, 10 के साथ 10 वाली को और 100 के साथ 100 प्लेस वाली को। स्टूडेंट ऐसे नहीं कर सकते आप 100 प्लेस को 1000 प्लेस के साथ ऐड कर दे, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी, 100 प्लेस वाले को 100 प्लेस वाले के साथ ही ऐड करेंगे, वंस वाली को वंस के साथ करेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसा आप, अब जो ये नंबर है स्टूडेंट, ये सारे नंबर एड एंड कहलाते हैं, योज्य, हिंदी में योज्य कहलाते हैं और इंग्लिश में एड एंड कहलाते हैं। तो स्टूडेंट 1 2 3 तीन नंबर एक को ऐड कर रहे हो, तीनों एड एंड है। ठीक है जी, अगर किसी भी डिजिट है, जैसे ये नंबर है स्टूडेंट 1000 तक है, अगर मैं आपको ये नंबर ऐसे दे दूं, ये क्वेश्चन भाई 1 और 3 को प्लस करो। ठीक है जी, अगर आप, मैं 3 को 1 में प्लस करवा रहा, तो आप स्टूडेंट इसे बहुत आसानी से कर देंगे, क्योंकि नर्सरी के बच्चे भी कर सकते हैं, तो ऐसे 4 आ जाएगा, है ना। तो आप इस 4 को यहीं लिखिए, इसके नीचे ही लिखिए बिल्कुल। ठीक है जी, अब स्टूडेंट हमारा ये हो गया ऐड, है ना। अब 10 के नीचे क्या है, 2 और 5 है, 2 और 5 को भी ऐड करना, 5 से आगे काउंट कर लेंगे। देखिए ऊपर 2 लिखा है तो 2 लाइन ड्रॉ करो, 5 से आगे 6 7, तो स्टूडेंट ऐसे 7 आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसा आप इन्हें ऐड कर देंगे। फिर क्या है जी, 3 और 6 है। ओके स्टूडेंट, ऊपर 3 लाइन ड्रॉ कर लो, अब 6 आगे काउंट करो, 7 8 9 आ गया 9। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 6 और 2। तो स्टूडेंट इन दोनों में जो भी डिजिट हमारे पास छोटी होती है, स्मॉल होती है, उसकी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है जी, अब 6 आगे काउंट करेंगे, 7 8 ओके स्टूडेंट, अब 4 4 को ऐड करना, है ना, 4 4 को ऐड करना। तो स्टूडेंट कोई सी भी कैच लीजिए, 4 4 साथ 5 6 7 8, स्टूडेंट काउंटिंग तो आती है सबसे, है ना जी। तो इस प्रकार आप इन डिजिट को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसी तरह के 4 5 क्वेश्चन आनु मान लीजिए एक साथ लिख कर दे दिया आपको। ये नर्सरी के क्वेश्चन है भाई, 3 में 1 प्लस करो, 2 में 5 प्लस करो, 3 में 6 प्लस करो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन नर्सरी के 5 मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिए, है ना। तो आपने देखा कितने आसानी से हो गए। तो ऐड इसी प्रकार होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़, है ना, किसी जो डिजिट है हमारे पास दूसरे वाले डिजिट उसमें ऐड कर देना। ठीक है जी, तो ये एक मेथड था ऐड करने का। अगर आप ऐसे क्वेश्चन देख के भाई आपको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया ये तो, है ना, और ये हमारे से होने का नहीं, तो आप इस तरह अलग अलग करके ऐड कर दीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें कहीं भी हमने कैरी का इस्तेमाल नहीं किया, है ना, ना इसमें था। तो अब स्टूडेंट ये तो हमने आपको गलत सिखा दिया, है ना। अब हम
फाइव और थ्री करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे थ्री लाइन ड्रा कर लीजिए, अब फाइव सा का काउंट करिए, सिक्स सेवन एट, ठीक है जी। अब ये फोर फाइव में फोर ड्रा कर लीजिए, फाइव सा का सिक्स सेवन एट नाइन। अगर आप ऐसे करते हैं तो इस बात की गारंटी आती है कि भाई आपका क्वेश्चन सही ही होगा, है ना। अब अगर आपसे काउंटिंग भी नहीं आती तो स्टूडेंट तभी गलत हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी गलत नहीं होने का। अब टू है तो सिक्स आगे टू लाइन ड्रा कर ली, सेवन एट, ओके स्टूडेंट। अब थ्री और सिक्स है तो इसमें थ्री लाइन ड्रा कर लो, अब सिक्स आगे काउंट करो, सेवन एट नाइन। अब स्टूडेंट सेवन और वन है तो हम इसमें क्या करेंगे, वन लाइन ड्रा कर लेंगे, सेवन से आगे एट, तो ये आ गया एट नाइन एट नाइन एट, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट देखिए बहुत आसान है ना भाई, नर्सरी का ही तो क्वेश्चन है ये सारे। फाइव में थ्री ऐड करेंगे तो एट आएगा, है फोर में फाइव ऐड करेंगे नाइन आएगा, है ना स्टूडेंट। तो ये जो मेथड है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं लाइन ड्रा करने वाले का, ओके स्टूडेंट। अब नहीं तो आपके पास ये में हाई है भाई, अगर आप पे अच्छी तरह आता है, सिक्स में टू ऐड कर दिए एट आ गए, फाइव में जीरो ऐड करेंगे तो फाइव ही आएंगे, और फाइव में आपने टू ऐड किए सेवन आ गए स्टूडेंट, और फोर में थ्री ऐड करे सेवन आ गया, और सिक्स में वन ऐड करा सेवन आ गया, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह आपसे ये आते ही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट ये तो टू नंबर थे, अब थ्री नंबर है जी, अब यार इन्हें भी आपको ऐसे ही ऐड करना है, ठीक है जी। फोर देखिए, आप स्टूडेंट अगर लाइन ड्रा नहीं करना चाहते आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं भाई, फोर और थ्री में थ्री फिंगर हो, थ्री ये हो गए वन टू थ्री है ना फोर में, तो आप फोर से आगे काउंट कर लेंगे, सिक्स सेवन, फोर से आगे फाइव सिक्स सेवन, तो स्टूडेंट यहाँ पे सेवन आ जाएगा ऐसे ड्रा करके, है ना स्टूडेंट। अब फोर है, फोर से आगे कितने हैं जी, ये टू है ये वन है तो थ्री होने चाहिए, वन टू थ्री हो गए स्टूडेंट। अब फोर से आगे काउंट करेंगे फाइव सिक्स सेवन, और फाइव और थ्री एट, फाइव थ्री एट, अगर जीरो को ऐड करते हैं स्टूडेंट, जीरो को कोई वैल्यू नहीं होती, तो जिस नंबर में आप जीरो को ऐड कर रहे तो आंसर वही नंबर आएगा, ठीक है। अब थ्री टू फाइव और वन सिक्स, टू टू फोर और थ्री सेवन, और फोर और वन फाइव। स्टूडेंट देखिए ये प्लेस खाली है यहाँ पे, तो जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे जीरो होती है, तो अगर हमने यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दी तो स्टूडेंट हमें और सा फील नहीं होनेगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए जहाँ भी कहीं स्पेस खाली हो तो आप वहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब ये इन्हें आपको ऐड करना है तो इसका आंसर आगा फाइव सेवन सिक्स एट सेवन सेवन, ठीक है जी। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, थ्री थ्री सिक्स और टू एट, और फाइव और टू सेवन। स्टूडेंट देखो जीरो है, थ्री में जीरो ऐड करा थ्री रहेगा, फिर ऊपर भी जीरो है, जीरो ऐड करा है ना, तो फिर भी थ्री ही रहेगा। एक बात और बता दें स्टूडेंट, आप ऊपर की साइड से भी ऐड कर सकते हैं और नीचे से भी, आंसर एक ही आएगा। देखो थ्री और टू फाइव, फाइव और थ्री एट, और थ्री थ्री सिक्स और टू एट। देखो आप कैसे भी ऐड कर लीजिए, आंसर एक ही आना है, फोर टू सिक्स और वन सेवन, थ्री टू फाइव, और जीरो जोड़ने की जरूरत ही नहीं हमें पता है, क्योंकि जीरो जोड़ के भी वही आंसर आना, तो इसलिए स्टूडेंट हम जीरो को ऐड करते ही नहीं, है ना। अब स्टूडेंट देखो यहाँ फोर के नीचे कोई भी स्पेस, कुछ भी डिजिट नहीं है, स्पेस है तो जहाँ स्पेस होता है वहाँ पे हमें जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट जब भी आप किसी डिजिट को ऐड करते हैं, किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, तो आप अच्छा यहाँ फोर था,
044 अब क्वेश्चन नंबर सी स्टूडेंट, ये दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया था आपका, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ये पेज नंबर 29 है यहां से। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 6, 2, 8 और 1, 9, 5 और 4, 9। देखो स्टूडेंट, हमने जीरो ऐड नहीं करा, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है जीरो ऐड करके भी वही आंसर आएगा, है ना। 3, 3, 6 दो ही डिजिट ऐड करी स्टूडेंट, हमने जीरो को ऐड कराया ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आंसर वही आने वाला है। 4 और 3, 7 जीरो ऐड नहीं की। 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट देखिए, यहाँ भी स्पेस है तो हम यहाँ पे जीरो ऐड कर देंगे। 5 और 3, 8 याद रखें, हमेशा जब भी आप इन्हें ऐड करें तो आपकी जो मैथ की बुक होती है उसमें बॉक्स बने होते हैं, एक बॉक्स में स्टूडेंट एक ही डिजिट लिखे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे ये डिजिट लिखी तो आप ऐसे ऐसे लिख लेते हैं बीच में, तो आप फिर ये भूल जाते हैं कि ये 6 इसके नीचे है या इसके नीचे, आप भूल से उसे इसमें ऐड कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ठीक है जी, अब ये 4 नंबर है स्टूडेंट, इन्हें ऐड करने हैं। ऐड करने का जो मेथड है वही रहेगा स्टूडेंट, ये विदाउट कैरी है सबको सारे क्वेश्चन। 4 और 3, 7 और 1, 8, 6 और 1, 7 और 2, 9, 5 और 1, 6, 3 और 1, 2 और 1, 3 और 3, 6 2, 8, 1 और 0, 1 और 3, 4 और 2, 6। देखिए स्टूडेंट, यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ स्पेस खाली है, तो यहाँ पे एक जीरो ऐड कर देंगे। कितने हो गए जी, 4 और 2, 6। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 5, 6, 7, 8 3 और 2, 5 और 3, 8 बोला था 8 लिख दिया, 7 8 और 8 2 और 1, 3 और 3, 6 1 और 3, 4 और 2, 6 3 और 2, 5 और 3, 8 और 1 और 2, 3 3 और 4, 7 और 1, 8। स्टूडेंट जरूरी नहीं है आप जिस डिजिट को आसानी से जोड़ सके आप उसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखो 2, 1 और 2, 3, 3 और 1, 4 और 4, 8 कैसे भी ऐड कर लीजिए, आंसर वही आना है। ठीक है जी, 5 स्टूडेंट ये डिजिट थोड़ी मिस हो गई थी, यहाँ पे 3 था, 3 और 2, 5 और 2, 7 4 और 1, 5, 5 और 3, 8 4 और 2, 6 और 1, 7 5 और 1, 6 और 2, 7 देखिए 0, 2, 1, 5, 5 और 3, 8
सिक्स टू एट। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो ऐड कर लीजिए। थ्री और वन फोर और टू सिक्स, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, अरेंज इन द कॉलम एंड ऐड द फॉलोइंग। स्टूडेंट जो आपको ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को आपको क्या करना है, कॉलम में लिखना है। कॉलम का मतलब है जो मैथ की आपकी कॉपी है उसमें बॉक्स है, एक बॉक्स में एक ही डिजिट लिखनी है, इसे ही कॉलम में अरेंज करना कहते हैं। मान लीजिए ये आपकी मैथ की कॉपी है स्टूडेंट, है ना, तो इसमें इसे कॉलम में अरेंज करने का मतलब है जीरो वन, है जी जीरो, इस तरह कॉलम में लिखने हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स में एक लिखना है, नहीं कहते हैं। अब देखिए इन्हें कैसे लिखेंगे, इन्हें लिखना आना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपने इन्हें लिखना सीख लिया तो आप ये ऐड में गलती नहीं होने की। वैसे स्टूडेंट अब आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, देखिए वंस को वंस वाली डिजिट में ऐड करेंगे, ठीक है, और टेन को टेन वाली डिजिट में ऐड करेंगे, अब हंड्रेड को हंड्रेड को हंड्रेड वाली डिजिट में ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसे ही आपसे करना आ जाए तो आप ऐसे ऐड करते हुए चले जाए, ठीक है। तो जो भी जो प्लेस है स्टूडेंट, वो प्लेस उसी प्लेस से ऐड होता है हमेशा, वंस वंस के साथ ऐड होगा, टेन टेन के साथ, हंड्रेड हंड्रेड के साथ। तो स्टूडेंट अब हम सबसे पहले वो पहले वाली डिजिट लिखेंगे जो भी ऊपर होगी, एक बॉक्स में टू, फिर जीरो जीरो वन जीरो। स्टूडेंट हमने एक बॉक्स में एक लिख लिए, और लिखना पहले डिजिट तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे उसे लेफ्ट साइड से शुरू कर ले या फिर राइट साइड से शुरू कर ले। स्टूडेंट जो सेकंड नंबर है उसे आप राइट साइड से ही लिखना शुरू करेंगे, यानी कि वंस वाली तरफ से लिखेंगे। जी आप देखिए वंस कहाँ है, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, तो स्टूडेंट वंस से स्टार्ट करें, वंस वाली साइड से लिखना स्टार्ट करें। वंस पे क्या है, वन, तो हमने पहले वन लिखा स्टूडेंट, फिर क्या है फाइव, तो एक बॉक्स में एक ही लिखेंगे, टू सिक्स वन, ठीक है जी। फिर अगला है टू थ्री फोर, तो देख सकते हैं स्टूडेंट, एक बार चेक कर लीजिए आपकी डिजिट कोई गलत तो नहीं हो गई। 16 to 121 और ये ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, स्पेस बच गई स्टूडेंट, ये स्पेस बच गई, हमने इन्हें यहाँ पे जीरो ऐड कर ली। अब स्टूडेंट इसे कहते हैं अरेंज इन द कॉलम, आप समझ गए होंगे ये कॉलम में अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आपको एक करके दिखा रहे हैं हम। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये कॉलम में अरेंज हो गए अब। ठीक है जी, हो गए कॉलम में अरेंज। अब स्टूडेंट इन्हें ऐड कर लीजिए, टू और वन थ्री, स्टूडेंट वन और फाइव सिक्स और थ्री नाइन, फोर और टू सिक्स। अगर किसी भी डिजिट में जीरो ऐड करते हैं तो वही आंसर आता है जो डिजिट होते हैं स्टूडेंट, तो सिक्स का सिक्स रहेगा, टू और वन थ्री। तो देख लीजिए ये कॉलम में इस तरह अरेंज होते हैं। जब भी डिजिट को लिखना शुरू करें तो याद रखें हमेशा वंस की साइड से लिखना शुरू करें, वंस टेंस हंड्रेड ऐसे लिखते हुए जाए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख लीजिए,
31511। पहले डिजिट कैसे भी लिख लीजिए और दूसरे वाले डिजिट वंस के साइड से लिखेंगे, 0 2 1 4। स्टूडेंट यहाँ एक स्पेस खाली रह गया, यहाँ पे एक जीरो ऐड कर देंगे, फिर 0 3 1। इन जीरो लगाने का स्टूडेंट सिर्फ इतना सा मतलब है ताकि हमें और सा फील ना हो या फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो हम जीरो लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो अब इन्हें ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएगी 6 और 1 7 4 और 3 7। देख लो 2 और 1 3 इधर 3 6 और 1 7 5 6 7। जीरो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें पता है जीरो को ऐड करके भी वही आंसर आएगा, 4 और 1 5 और जी 3 के 3। ओके स्टूडेंट, देखिए कभी 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 आप, हमने आपको बताया कि वंस की साइड से लिखे, क्यों लिखे वंस की साइड से ही स्टूडेंट, आपको यह पता होना चाहिए अगर हमें ऐसे इधर से लिखना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो हमें एक एग्जांपल देके बता रहे हैं आपको, अगर यहाँ पे कोई डिजिट है जी, मान लीजिए है, आप उसमें दूसरी डिजिट ऐड करना चाह रहे हैं, 10 ऐड करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो 10 आपने लिख दिया यहाँ पे, 10 आपने लिख दिया यहाँ पे, भूल बस आप इधर से नहीं लिखते, लिख रहे वंस की साइड से और 10 को इधर की साइड से लिखना शुरू कर दिया भाई, ऐड करना चाह रहे। तो स्टूडेंट देखिए, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, तो जो 1 है ये किसके नीचे आ गया, 1000 के नीचे आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, तो ये 10 नहीं रहा, ये 10 नहीं रहा, 1 अलग हो गया और 0 अलग हो गई, यानी कि 1000 लिखा गया, ये डिजिट बिना जीरो लगे, बिना जीरो आए इसके आगे, ये 1000 है क्योंकि इसकी प्लेस शो हो रही है। ठीक है जी, अब आप इसे 10 ऐड नहीं कर सकते, अगर आप इसे ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो 8 1 2 4, तो ये आंसर आएगा है ना, 4218। तो इसलिए ये गलत हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए हम आपको बताते हैं यार इसका सही आंसर क्या रहता है स्टूडेंट, 10 अब ये हो गया 10, तो इसका आंसर ये आ रहा था है ना, देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए हम कहते हैं हमेशा वंस की साइड से ही लिखना शुरू करें, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन्हें याद रखेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने का। ओके स्टूडेंट, तो इस बात का ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर सी, तो स्टूडेंट इन्हें भी कॉलम में ऐड करना है, 1 0 3 2 5 1 2 4 4 1 1 2 1 0 0 3 0 2। स्टूडेंट ये स्पेस नहीं था यहाँ पे, इसलिए हमने ये इधर लिख दी थी, 3 0 0 0 3 2 ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट जैसे आप इन्हें लिखेंगे ऐसे, तो ये कॉलम में अरेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 3 7 5 और 4 9 2 और 4 6 और जी 3 और 1 4 और 3 7। स्टूडेंट आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 3 3 6 और 1 7। ठीक है जी, 3 और 1 4
देखिए स्टूडेंट, ऐड ऐसे भी हो सकता है, अगर कोई एक ही डिजिट बार बार आ रही तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3, 3 बार 2 ऐड करने तो 2 3 6 और 1 7। स्टूडेंट अगर ये तभी लागू होगा ये नियम, जब एक ही डिजिट बार बार आ रही हो, 2 को हमें 10 बार प्लस करना तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी। थ्री थ्री जीरो, थ्री थ्री जीरो, 2 2 1। अब स्टूडेंट 2 1 1 0 2 1, अब 2 1 2 2, ओके स्टूडेंट। अब दो, ये दो प्लेस बाकी रह गए, इनमें यहाँ पे 0 ऐड कर दीजिए, 4 1 3। तो स्टूडेंट अब ऐड कर लेंगे, 2 2 4 और 1 5, 5 4 9, 1 2 3, 3 2 5, 3 2 5 और 1 6, 6 2 8। तो क्वेश्चन कैसे भी ऐड कर सकते हैं, 2 2 4 और 1 5, 5 और 3 8 है ना, और ये 2 का 2 ही रहेगा स्टूडेंट क्योंकि 0 ही है सब, 3 2 5, 3 1 4। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, ये बुक में ही लिखा हुआ है, ठीक है जी, आप अपनी बुक ओपन करके यहां से देख सकते हैं। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो डिजिट दी गई, जो नंबर नेम दिए गए हैं आपको, सबसे पहले आपको इन्हें न्यूमरल में लिखना है, ठीक है जी। आप ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते है ना, ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आपको जो ये नंबर नेम दिए गए हैं, वर्ड में दिए गए हैं, सबसे पहले आपको इन्हें न्यूमरल में लिखना है, नंबर में लिखना है, ओके स्टूडेंट। नंबर में लिखने के बाद फिर आप इन्हें ऐड करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर नेम इन वर्ड्स इन न्यूमरल, ओके स्टूडेंट। जो भी ये वर्ड्स हैं इन्हें आपको न्यूमरल में लिखना है। तो आपको स्टूडेंट ये पहचान होनी चाहिए इसमें कितने नंबर हैं, है ना। तो जितने भी नंबर हैं उन आपको आप यहाँ लिख लेंगे। देखिए 24,520, तो देखो पहले 1000 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर वंस वाला आ गया, 20 आ गया, तो एक डिजिट यहाँ खत्म होगी जहाँ एक कोमा लग रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इस डिजिट को यहाँ लिख लेंगे अलग से, भाई ये तो हमारा क्वेश्चन बुक में ही है, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड। तो स्टूडेंट आपका एक नंबर नेम है ये, है ना, ये यहाँ खत्म होगा। अब दूसरा क्या है, 62,000 62,030, THIRTY
वाई 30। ओके स्टूडेंट, एक कदम ही यहाँ पे हो गया। अब है 12,000। देखो स्टूडेंट, ये वंश पे जा खत्म हुआ ना, अब आगे लिखा हुआ है 12,000, तो फिर यानी कि दूसरी शुरू हो गई है ना, बड़ी प्लेस है और वैसे भी कोमा भी है इनके बीच में, तो लिखेंगे 12,000 जी 12,200 240। तो स्टूडेंट, ये तीन नंबर नेम है आपके पास जिन्हें आपको ऐड करना है। अब आप देखिए स्टूडेंट, ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप इन्हें न्यूमरल में चेंज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी डिजिट को न्यूमरल में चेंज करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि हम उसकी हाईएस्ट प्लेस देखते हैं कौन सी है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है जी 1000, इसमें क्या है 1000, इसमें भी क्या है 1000। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1 से लेके 10 तक के 1 स्टैंड डालेंगे 1000 तक के, 1, 10, 100, 1000 और 10,000। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये क्या लिखा है 24,000, तो ये दोनों जो भी 1000 होगा वो पेयर में लिखा जाएगा, 24 है तो स्टूडेंट एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, तो स्टूडेंट दोनों का पेयर बनगा 1000 2 का 4 का, तो 24,000 होगा। फिर है 500 कहाँ है, ये रहा जी ऊपर 100 के लिख लिख देते 500 हमेशा अकेला होता है स्टूडेंट, 520। तो स्टूडेंट 20 वन स्टैंड डाल के लिखे, ठीक होगा जी। अब क्या है जी 62,000, तो स्टूडेंट 62 ये हो गया 62,030। इसमें देखो स्टूडेंट 100 रीड नहीं हुआ, बोला नहीं गया, तो 100 को हमने छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं 500 600 कुछ हो, 100 आया ही नहीं, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, तो 6 का प्लेस खाली रह गया, तो जो चीज़ खाली रहेगी वहाँ पे आप एक जीरो ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब 12,000 के नीचे 12 लिखेंगे, 12,200 100 ये रहा, 100 के नीचे 2 लिख दिया 40। तो स्टूडेंट अब इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है जी 0 0 0 4 3 7 7 2 9 5 2 7 4 2 6 6 2 8, यहाँ से भी कर सकते हैं 2 2 4 और 4 8 आज 6 2 8 और 1 9। ये स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 और 6 7 और 2 9। ठीक है जी, तो ये ऐड हो गई। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको नंबर नेम को न्यूमरल में चेंज करना है, उसके बाद जो न्यूमरल आएंगे उन्हें जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी प्रकार, तो इसे भी हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, पहले लिख क्या है जी 1,00,000 1,03,000 1,000 के बाद 100 आएगा 400 456। तो स्टूडेंट ये वाले जो नंबर नेम है ये वंश पे जाकर खत्म होगा, 56 तो 6 पे वंश पे है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई ये 56 आया तो ये डिजिट यहाँ खत्म है, ये नंबर यहाँ खत्म है,
आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ खत्म हुआ है। ओके स्टूडेंट, वैसे भी इसमें कोमा लगा हुआ है। अब देखिए 45,000 और अब एंड से जुड़ा हुआ है तो स्टूडेंट ये यहीं पे खत्म हो गया 45,000 पे। तो अब आप इसे यहां लिख लेंगे, अब 45,000 पे खत्म होगा। अब इस आगे क्या है स्टूडेंट, 1,00,000। तो देखो 1,000 के अगर हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये इसमें जुड़ा हुआ है आगे, तो कैसे जुड़ा हुआ होगा, 1,000 है, 1,000 के बाद में लैक थोड़ा जाएगा, तो 100 आना चाहिए था, तो इसलिए ये जो नंबर है ये यहीं पे खत्म है। ठीक है जी, अब आगे देखिए 1,00,000। थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड। अच्छा ये होगा 56 तक, और फिर ये हो गया था 1,000 तक, हाँ 1,000 तक हो गया। अब यहाँ पर 26,00,000। ट्वेंटी सिक्स लैख सेवन थाउजेंड टू। ओके स्टूडेंट, तो ये तीन नंबर दिए गए थे। अब इनमें सबसे बड़ी प्लेस देख लेंगे क्या है जी, सबसे बड़ी प्लेस है इसमें लैक, तो लैक तक के वंस टेन डाल लेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या लिखा है 1,00,000, लैक कहाँ है ये रहा 1,00,000 है स्टूडेंट। इसमें अगर डबल डिजिट होती तो एक 10,00,000 के नीचे आती, लेकिन नहीं है तो इसलिए लैक के नीचे आएगी 1,03,000। स्टूडेंट 3,000 बोला जा रहा है, इसमें भी डबल डिजिट नहीं है, यानी 13-14 लैख ऐसे नहीं है, वो 1,000 नहीं है, तो 3,000 है, तो हम PH के नीचे लिखेंगे। अब 400 56, तो स्टूडेंट 10,000 का प्लेस रीड नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, लास्ट में जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर कोई डिजिट बार इससे आगे आ रही तो आप लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब दूसरे वाला 45,000, ये है दी 1,000 यहाँ से 45,000। अब 26,00,000 तो स्टूडेंट दोनों लैक के नीचे आएगा, इसका यो स्पेस नहीं है स्टूडेंट, आप इनकी जीरो ऐड कर लेंगे नहीं तो आपको और फेल होगा। 26,07,000 तो इसमें स्टूडेंट 10,000 रीड नहीं हुआ, इनके डबल डिजिट नहीं आई, आज ये 2 स्टूडेंट, इसमें 100 भी नहीं आया और 10s भी नहीं आया, तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे उन प्लेस पे जीरो ऐड कर देंगे। अब देखिए 6 2 8 5 के 5 4
फोर के फोर, फाइव और थ्री सेवन सेवन, फाइव और थ्री एट है जी, और सेवन एट और सेवन कितना होगा, फिफ्टीन का फाइव कैरी वन, फोर और वन फाइव, और जी सिक्स और वन सेवन, और जी टू के टू। ओके फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका सी, इसे भी इसमें हम पहले जो नंबर नेम है उन्हें छांट के लिख लेंगे अलग अलग कर्व के ऊपर नीचे। स्टूडेंट पहला क्या है, 23,000 23,002। तो स्टूडेंट देखिए टू आ गया, अब फिर इससे आगे या इसमें कैसे हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे लैक आ गया, थ्री तो लैक है ना, थाउजेंड के बाद में क्या आता, हंड्रेड आता, टेंस आता, वंस आता, तो वो नहीं है, तो ये नंबर यही खत्म हो गया, इसमें कोमा भी लगा हुआ है स्टूडेंट ये। फिर दूसरा नंबर यहाँ से शुरू हो गया, थ्री लैक, थ्री लैख एट थाउजेंड एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड। अब देखो स्टूडेंट एड आ गया, या तो एंड देगा या फिर कोमा देगा, जहाँ भी नंबर खत्म होगा, तो ये नंबर हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये 500 था, 100 के बाद 10 से और 1 आता, लेकिन यहाँ 41 है, 41,000 है ना, तो ये अलग नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे 41,000 41,200 204 ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, अब वन स्टैंड लेंगे, तो स्टूडेंट ये कहां तक है, लैक तक है, तो वह लैक तक के वन स्टैंड डाल देंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक। ओके स्टूडेंट, अब देखो 23,000 थाउजेंड कहाँ है, ये रही, तो हम 23 लिख देंगे, 23,000 टू, हंड्रेड नहीं रीड हुआ ना, टेंस आया, डबल डिजिट आती लास्ट में स्टूडेंट, तो इन दोनों की क्या लगा देंगे, जीरो ठीक है जी। अब थ्री लैक, लैक कहाँ है, ये रहा, अगर डबल होती है स्टूडेंट तो हम यहाँ पे एक इसके नीचे लिख देते, तो डबल नहीं है यानी कि पेयर में नहीं है, लैक थ्री है तो लैक के नीचे लिखेंगे, थ्री लैक एट थाउजेंड, तो स्टूडेंट इसमें भी 10,000 नहीं आया, टू डिजिट में नंबर नहीं है, तो एट आया 8,000, तो हम थाउजेंड के नीचे एट को लिख देगा, अर्थात 10,000 के लिए हम एक जीरो लगा देंगे, 500 आया स्टूडेंट, ना तो इसमें 10 बोला गया और ना ही वंस प्लेस बोला गया। अब 41,000 कहाँ है, ये स्टूडेंट ये 41 हो गए, 41,200 हंड्रेड के नीचे टू लिख दीजिए, 204, तो स्टूडेंट इसमें 10 प्लेस नहीं बोला गया, वंस प्लेस बोला गया, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी एक जीरो ऐड कर देंगे ठीक है। अब इन्हें आप ऐड कर लीजिए,
फोर टू सिक्स जीरो 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 ही रहेगी, से फाइव टू सेवन रहेगा स्टूडेंट, और जी फोर थ्री और वन फोर और एट ट्वेल्व। अब इसमें यहाँ पे स्टूडेंट वन के लिए हो जाएगा, है ना। याद रखें अगर कोई भी ऐड करने के बाद डिजिट डबल हो जाए, डबल डिजिट आए, ट्वेल्व आए, तो स्टूडेंट यहाँ पे पूरा ट्वेल्व नहीं लिखना, तो इसमें इसके नीचे सिंगल डिजिट ही रहती है हमेशा, तो टू तो इसके नीचे ही रहेगा यही भाई। और जो इसका वन है वो नेक्स्ट, यानी कि वन जो भी यहाँ पे डिजिट होगी स्टूडेंट टेन प्लेस पे, वो अगले वाली प्लेस में कैरी के लिए चली जाएगी, ठीक है जी। फोर टू सिक्स और वन सेवन। अब स्टूडेंट थ्री में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो की ओ थ्री के थ्री ही रहेंगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो आपका था ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या है जी क्वेश्चन। आपको इस जो भी है नंबर दिए गए हैं ना, आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। देखिए वन टू थ्री, थ्री नंबर दिए गए हैं ना आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है जी, बड़े से छोटे की ओर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट एक ही बात है ना, या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। इन्हें आपको अरेंज करना है। सबसे पहले आप स्टूडेंट इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे इनमें नंबर काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लेना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, जिसमें सिक्स डिजिट है, और सिक्स डिजिट वाले टू है स्टूडेंट, तो इनके लास्ट के डिजिट मैच करेंगे, यहाँ वन है यहाँ टू है, तो वन बड़ा होता है टू, तो स्टूडेंट टू ही बड़ा होगा। तो ये अपना आप ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना। तो फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा कि लिखिए, तो स्टूडेंट ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है ना, हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो स्टूडेंट अब क्या कहा है इसने, अब क्वेश्चन ने कहा देन ऐड। तो स्टूडेंट अब देखो, हमने ये क्वेश्चन पूरा नहीं कहा था, हमने ये समझाने के लिए लिखा था इतना ही, कि ताकि आप क्वेश्चन समझ सके कि भाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो देन ऐड, अब हमने कर दिया तो अब हम इसे ऐड करेंगे, देन ऐड। तो स्टूडेंट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इन्हें कॉलम में अरेंज करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो भी डिजिट दी गई है उन्हें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, उसके बाद में उन्हें ऐड करें। तो ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है लास्ट में, ठीक होगा जी। आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, फाइव टू सेवन जीरो, थ्री में जोड़ेंगे तो थ्री रहेगा, थ्री और वन फोर और टू वन थ्री, और जी थ्री और फोर सेवन और टू नाइन। स्टूडेंट आप ऐसे जोड़ सकते हैं, टू और फोर सिक्स और थ्री नाइन, टू और वन थ्री, ओके स्टूडेंट। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर बी, तो क्वेश्चन नंबर बी को भी आप ऐसे ही करेंगे, काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। स्टूडेंट सब में सिक्स सिक्स है, तो क्या करेंगे, लास्ट की प्लेस वैल्यू मैच करेंगे, यहाँ थ्री है ये फोर है, तो स्टूडेंट
और ये टू है, तो फोर वाली बड़ी होगी तो सबसे पहले ये लिखी जाएगी, फोर वन जीरो वन जीरो वन। तो स्टूडेंट इससे छोटी थ्री वाली है, ये यहाँ पे आ जाएगी, और जो लास्ट में है स्टूडेंट वो लास्ट में ही रहेगी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारा, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने से लिख लिया, इनके घटते हुए क्रम में। ओके स्टूडेंट अब इन्हें ऐड कर लीजिए। अब ये ऐड हो जाएंगे जी, ठीक है, वन थ्री और टू फाइव, जीरो में वन प्लस करेंगे तो वन का वन ही रहेगा, थ्री टू फाइव और जीरो ऐड करेंगे तो फाइव ही रहेगा, और वन में जीरो ऐड करेंगे स्टूडेंट वन ही रहेगा, और थ्री और टू फाइव और फोर नाइन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी, तो स्टूडेंट आपकी क्वेश्चन नंबर सी है, इसे भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले काउंट कर लीजिए किस नंबर में कितनी डिजिट हैं, टू टू फोर सिक्स, टू 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 सिक्स, टू टू, सब में सिक्स सिक्स है स्टूडेंट, तो सब इक्वल है, तो लास्ट की प्लेस वैल्यू मैच करेंगे, ये वन है ये टू है ये वन है, तो स्टूडेंट टू वाली सबसे बड़ी है, तो आप ही पहले ये लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब स्टूडेंट ये 12 है 14 है, तो 14 बड़ी है, अब लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, ऐड करने के लिए हमेशा वंश की साइड से ही लिखना शुरू करते हैं। तो जी कर दीजिए ऐड, फाइव और वन सिक्स और टू एट, फोर और थ्री सेवन और वन एट, फाइव और फोर नाइन, टू टू फोर और थ्री सेवन, थ्री और फोर सेवन और टू नाइन, और जी टू वन वन फोर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा। अब डी वाला क्वेश्चन, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसे भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो स्टूडेंट इसमें नंबर में सिक्स डिजिट है, सो भी सिक्स है, सो भी सिक्स है, तो सबकी लास्ट वाली प्लेस वाली मैच कर लेंगे, ये 14 है ये 11 है ये 12 है, तो स्टूडेंट 14 वाली बड़ी रहेगी, और फिर दूसरे नंबर पर 12 वाली, और तीसरे पर 11 वाली। ओके स्टूडेंट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, अब आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, वन फोर थ्री फाइव सिक्स एट, जीरो वन फोर वन टू वन, वन टू जीरो फोर वन वन, ऐड कर लीजिए, एट और वन नाइन, सिक्स और थ्री नाइन, फाइव और फोर नाइन, फोर और वन फाइव, फाइव और थ्री एट, फोर और टू सिक्स और वन सेवन, वन 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 थ्री। ओके स्टूडेंट ये डी वाला क्वेश्चन हो गया। अब ई, स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सभी नंबर में सिक्स सिक्स डिजिट है, तो लास्ट की प्लेस वैल्यू मैच करेंगे, 21 32 और 14, तो स्टूडेंट कौन सी बड़ी होगी, 32 बड़ी होगी, तो पहले ये वाली लिखेंगे, अब फिर 21 वाली,
और लास्ट में 14 वाली रहेगी। ठीक है जी, अभी ने ऐड कर लेते हैं। तो जी अभी इन्हें ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, 3 और 6 9 5 और 3 8 6 और 2 8, ये गलत कर दिया, 5 और 1 6 और 2 8, और जी 4 5 और 3 8 6 और 1 7, और जी 3 3 6, भाई 2 और 1 3 और 3 6। ओके स्टूडेंट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया एफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, सभी नंबर में 6 6 डिजिट है। तो स्टूडेंट यहाँ 31 है, 20 है और यहाँ 32 है, तो सबसे बड़ी कौन होगी? 32 वाली हो जाएगी। अब स्टूडेंट इन्हें ऐड कर लीजिए, 3 हो गया 8 हो गया 4 और 3 7 और 2 9 3 और 2 5 और 1 6 2 और 1 3 3 3 6 और 2 8। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 4.1 ये कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन आपको कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।